तो आज मेरे पास है ये फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड। हम आज की इस वीडियो में हम इसी कार्ड के बारे में बात करेंगे कि ये कार्ड कैसे अप्लाई करते हैं, क्या प्रोसेस है, किन किन लोगों को ये मिलता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की एप्लीकेशन ना रिजेक्ट हो जाती हैं। मेरी भी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई थी और ये कार्ड मेरा नहीं है, किसी और का है। तो मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि ये कार्ड किन किन लोगों को मिलता है, कैसे मिलता है, बेसिकली इसके बारे में हम सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम एकदम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। सबसे पहले इस कार्ड को अप्लाई कैसे करना है, तो देखो वो काफी सिंपल है। आपको अपने फ्लिपकार्ट की ऐप में जाना है, वहां पे माई अकाउंट सेक्शन में जाना है। वहां पे अगर आपको शो होता है फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, तो सिंपली आप वहां से भी अप्लाई कर सकते हैं। नहीं होता है तो कोई बात नहीं, आप फ्लिपकार्ट ऐप में सर्च कर सकते हैं फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, ऊपर ही आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा। अब वहां पे आपके सामने सारी चीजें आ जाएंगी, उस टाइम पे जो भी ऑफर होंगे, जो भी कैशबैक होंगे, जो भी फीस वगैरह होगी, वो आपके सामने आ जाएगी। और वहां पे आपके सामने दो ही ऑप्शन आएंगे, या तो कमिंग सून लिखा होगा, अगर कमिंग सून लिखा है तो अभी आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है, आप कार्ड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और अगर वहां पे लिखा आता है अप्लाई नाउ, तो फिर आप वहां से अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई करने का इसके अलावा एक और भी ऑप्शन है, आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड। एक्सिस बैंक की वेबसाइट पे जाके भी आप इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। सेम प्रोसेस फ्लिपकार्ट में, सेम आप एक्सिस बैंक की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां से अब अप्लाई करने के लिए बेसिकली कुछ डिटेल्स आपसे पूछेगा, आपका मोबाइल नंबर, एड्रेस, पैन कार्ड, आधार, इन सब की डिटेल आपसे लेगा। आप सैलरीड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, ये सब आपसे पूछेगा। आपका एड्रेस वगैरह क्या है, ये सारी डिटेल्स आपसे पूछेगा। जैसे ही आप डिटेल्स फिल करेंगे तो वहां से आप एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे, फिर चाहे फ्लिपकार्ट ऐप में करें या एक्सिस बैंक में करें, जैसे आप सबमिट करेंगे वो एप्लीकेशन बैंक के पास चली जाएगी। अब वहां से आपको दो ही रिप्लाई आएंगे, या तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो अप्रूव हो जाएगी या फिर वो रिजेक्ट हो जाएगी। अब बहुत सारे लोगों की जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाती है, तो मैं अब आप लोगों को ये बताता हूँ कि ये कार्ड मिलता किन लोगों को है। देखो अब ये फ्लिपकार्ट की ऐप में भी साफ साफ लिखा हुआ है, जो लोग सैलरीड हैं 15,000 से अबव उनकी सैलरी है उनको ये कार्ड मिल सकता है, यानी कि वो इस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या जिन लोगों का सेल्फ एम्प्लॉयड कोई बिजनेस वगैरह है, 30,000 से अबव उनकी पर मंथ इनकम है, तो वो इस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अप्लाई तो सभी लोग कर सकते हैं, लेकिन जो लोग सैलरीड पर्सन नहीं है, सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं है, उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। जितने भी स्टूडेंट वगैरह हैं या जो लोग कोई जॉब वगैरह बिजनेस नहीं करते, उनको ये कार्ड नहीं मिलेगा, उनकी एप्लीकेशन अप्रूव नहीं हो पाएगी, वो रिजेक्ट ही होगी। क्योंकि जब आप इस कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन बैंक के पास चली जाएगी, तो वो आपकी जो पैन कार्ड वगैरह की डिटेल है उन सभी से आपका सिबिल स्कोर वगैरह, क्रेडिट हिस्ट्री चेक करेंगे। अब ये बैटर की मिलेगी या जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या जो लोग सैलरी वाले हैं, स्टूडेंट वगैरह की कहां वो सिबिल स्कोर इतना अच्छा हो पाएगा, तो उन लोगों की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। अब जो लोग सैलरी वाले हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है, उनका क्या होता है, जैसे उनकी एप्लीकेशन अप्रूव होती है, उनके पास एक्सिस बैंक के एग्जीक्यूटिव का कॉल आता है, उनके एड्रेस पे फिर वेरिफिकेशन के लिए वो आते हैं, उनके फिजिकली डॉक्यूमेंट्स जो हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, इन सभी को वेरीफाई करते हैं। उसके बाद अगर मान लो आप स्टूडेंट वगैरह भी हो, अगर आपकी एप्लीकेशन इन केस अप्रूव हो भी गई, अब जब कल को एक्सिस बैंक से जो एग्जीक्यूटिव है वो आपके घर आएंगे, तो वो आपसे मांगेंगे या तो सैलरी स्लिप या आपसे मांगेंगे ITR, और वो आपके पास नहीं होगी अगर आप स्टूडेंट वगैरह हैं, तो वहां पे भी आपका जो ये कार्ड है उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। तो ये सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनकी जॉब है या जो लोग बिजनेस वगैरह करते हैं, वो भी रजिस्टर्ड, जिनके पास ITR वगैरह रहती है, अदरवाइज बाकी के लोगों को ये नहीं मिल पाएगा, एप्लीकेशन ही रिजेक्ट हो जाएगी, आगे की चीजें तो हो ही नहीं पाएंगी। तो ये थी इसके बारे में सारी डिटेल्स। और मेरे पास जो एक कार्ड है ये एक सैलरीड पर्सन का है, इसकी जो लिमिट है वो 15,000 रुपीज है, उनकी भी ये सारी चीजें चेक की गई थी, डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई किए थे, सैलरी स्लिप वगैरह मांगी थी, उसके बाद जाके ये कार्ड आया है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे ये कार्ड किन लोगों को मिलेगा, किन को नहीं मिलेगा। ये थी इसके बारे में कुछ डिटेल्स। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। मैं मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।